चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शुगर मैट एस हेल लिप क्रेयॉन्स के शेड्स के बारे में। मोर ओवर आपको मैं इनके सबके स्वेचेस करके दिखाऊंगी, अपने हैंड पे भी और लिप पे भी। तो ये गाइस जो आप देख सकते हो, ये मेरे पास 5 लिप क्रेयॉन्स हैं, 2 मेरे पास शुगर के 8 से 10 लिप क्रेयॉन है, बट मैंने उनमें से 5 पिक किए हैं जो कि हर स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है। लाइक अगर आप विटिश हो या फिर आप फेयर स्किन टोन हो या थोड़ा सा डार्क अंडर स्किन टोन में आप आते हो तो भी ये लिप क्रेयॉन्स आप लोगों की स्किन पे बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। मोर ओवर मेरा ऐसा सोचना होता है कि कोई भी स्किन टोन पे आपको कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। सारे स्किन टोन पे सारे कलर्स अच्छे लगते हैं, बट मेक श्योर कि आप जब इनको अप्लाई कर रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट रहें। आपको खुद को ऐसा गिल्ट नहीं फील होना चाहिए कि यार मेरा स्किन टोन ये है तो क्या ये कलर मुझ पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो गाइस, जितने भी कलर्स आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये सारी कलर फैमिली से रिलेट करते हैं। लाइक आपको इसके अंदर पिंक कलर फैमिली से भी मिल जाएगा, रेड कलर भी है, थोड़ा सा ब्राउन कलर भी है, न्यूड शेड भी है, मॉव कलर भी है। तो आपको लगेगा कि 5 शेड्स है, लेकिन मैं इनको सारी कलर फैमिली से रिलेट कर हूँ जस्ट बिकॉज शुगर के जो लिप क्रेयॉन्स है गाइज, दे आर अमेजिंग एंड सुपर पिगमेंटेड है। एक स्ट्रोक में आपको बहुत ही अच्छा सा कलर देके जाते हैं। एज यू कैन सी, मैंने जो भी लिप पे अप्लाई किया हुआ है वो इसी में से ही एक कलर मैंने अप्लाई किया, बट इसका अगर मैं एक कोट और अप्लाई कर लूंगी अपने लिप्स पे तो वो बहुत ही डिफरेंट सा कलर आता है। सो इनकी एक ही चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि बहुत ही पिगमेंटेड है। लाइक आप डबल कोट लगाते हो तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर आपके लिप्स पे आता है। मोर ओवर बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। लाइक आप 7 to 8 आवर्स इजिली आपके लिप्स पे स्टे करता है। आप खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका कलर निकल के बाहर जाएगा या फिर वो ग्लासेस वगैरह पे लगेगा। तो ये गाइज मुझे इनकी बहुत अच्छी चीज लगी शुगर के क्रेयॉन्स की। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को बता देती हूँ सारे कलर्स के बारे में। सो गाइस, शुगर के लिप क्रेयॉन्स आपको कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में मिलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मैट एज हेल लिप क्रेयॉन्स 10 चेरी डार्लिंग, तो जो इसका नंबर है दैट इज 10 चेरी डार्लिंग, और प्राइस इज 899 रुपीज एंड 2.8 ग्राम आपको इसकी क्वांटिटी मिलती है। एंड यहाँ पे अदर जो ब्रांड की डिटेल है वो मेंशन है। एंड एवरी लिप क्रेयॉन्स के साथ आपको इस तरह का एक शार्पनर मिलता है जिसकी प्राइस आई थिंक 140 रुपीज है अगर आप अलग से लेना चाहोगे इसको तो। और ये इस तरह से ये साइज जो है ये एकदम परफेक्ट है इनके लिप क्रेयॉन्स के लिए। एंड मोर ओवर अगर आपके पास काजल पेंसिल है या अदर भी कोई भी काजल पेंसिल आप यूज करते हो तो इसके साथ छोटे वाले होल के साथ आप शार्प कर सकते हो। सो यस, क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी भी। एंड सो यस, इस तरह से ये पैक्ड हो जाता है तो इसको कैरी करना भी बहुत ईजी रहता है। सो यस, अंदर आपको इस तरह का एक क्रेयॉन मिलता है एंड जो कार्डबोर्ड पे मेंशन था इनका नाम एंड जो इसका शेड है वो यहाँ पे ही भी मेंशन है। एंड अंदर आपको इस तरह का लिप क्रेयॉन मिलता है। अगर मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन बताऊँ तो सिर्फ दिस बहुत ही लाइटली मैंने शायद टच किया है अपनी स्किन पे और यू कैन सी कितना पिगमेंटेड है और कितना बटरी फॉर्मूला है। बहुत अच्छे से एकदम मैट लुक देता है लिप्स पे, साथ ही साथ में बहुत लॉन्ग लास्टिंग है गाइस। आराम से 2-7 आवर्स आपके लिप्स पे स्टे करके रहता है। सी दिस, सो यू कैन सी बहुत जल्दी से ड्राई हो जाता है एंड बहुत मैट फिनिश देता है लिप्स पे। सो चलिए फटाफट से मैं आपको एक एक करके शेड्स बताती हूँ। सो गाइज, जो फर्स्ट शेड मेरे पास है दैट इज 08 जैकी ब्राउन, और ये एक रेडिश ब्राउन कलर है। तो अगर आपकी फेयर स्किन टोन है तो ऑफकोर्स आपको ये कलर अच्छा लगने वाला है क्योंकि फेयर स्किन टोन पे ब्राउन कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। बट इसके अंदर गाइज एक रेडिश टोन मिक्स है, लाइक रेडिश टच दिया हुआ है। तो अगर आपकी विटिश स्किन टोन है या आप थोड़ा सा डार्कर स्किन टोन में भी आप आते हो तो ये कलर आप पे बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड जब आप इसका सिंगल कोट लगाओगे तो बहुत ही न्यूट सा कलर आएगा, और अगर आप इसका डबल कोट लगा लेते हो तो आपका जो कलर है वो एकदम रेडिश पिंक लगने लग जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर न्यूट शेड आपको चाहिए तो आप सिंगल एक स्ट्रोक लगाइए, और अगर आपको थोड़ा सा पार्टी फंक्शन में जाना है तो आप इसका डबल कोट लगा लीजिए। सो यस, नेक्स्ट शेड इज 17 ब्रैंडी हैरिटन, ये एक रस्टी रेडिश पिंक कलर है। सो गाइज, अगर आप इस तरह का एक ब्राउन न्यूट कलर ढूंढ रहे हो जो सुपर पिगमेंटेड हो, बहुत ही लाइट फॉर्मूला हो जिसको आप दिन भर अप्लाई कर सकते हो, तो गाइस ये कलर आपके लिए बहुत ही प्यारा रहेगा। लाइक ये नो मेकअप मेकअप लुक के लिए बहुत अच्छा है, समर्स के लिए बहुत अच्छा है, रेनी सीजन में बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप नॉर्मल सी वेस्टर्न आउटफिट भी पहनते हो तो उसके साथ ये कलर बहुत प्यारा लगेगा। तो ये अगर न्यूड शेड में आप मुझसे मेरा कोई फेवरेट कलर पूछोगे तो दिस वन इज़ माई फेवरेट कलर, दिस इज़ डैम गुड।
सो गाइस, नेक्स्ट शेड इज नंबर 10 चेरी डार्लिंग, एंड ये एक चेरी रेड कलर है। तो अगर आपके कलेक्शन में रेड कलर ना हो तो भी आपका कलेक्शन कंप्लीट नहीं होता है। सो गाइस, अगर आप अपने कोई भी वेस्टर्न आउटफिट के साथ जो आप डार्क कलर का कोई कैरी कर रहे हो, या फिर आप अपने कोई भी साड़ी वगैरह के साथ कैरी करोगे, तो ये कलर बहुत ही परफेक्ट जाने वाला है। लाइक इसका जो रेड कलर है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अजीब सा दिखे या बहुत ही आपका फेस बहुत चमकने लग जाए उसको लगाने के बाद। बहुत ही सप्पल सा सेटल सा कलर है जिसको हम लाइक गर्ल्स भी कैरी कर सकती है, लेडीज़ भी लगा सकती है। तो ये गाइस बहुत ही परफेक्ट सा कलर मुझे लगा जो हर स्किन टोन के साथ अच्छा लगेगा। लाइक कुछ रेड कलर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा व्हाइटिश टोन पे नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जो रेड कलर है गाइस, ये व्हाइटिश स्किन टोन पे भी बहुत अच्छा लगेगा, डार्कर पे भी अच्छा लगेगा, और फेयर स्किन टोन पे तो ऑफकोर्स अच्छा लगने वाला ही है। सो गाइस, नेक्स्ट वन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट 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 कलर। आपने मेरे बहुत मेकअप लुक में ये वाला कलर देखा होगा। दिस इज 24 राशल बेरी, एंड दिस इज डीप बेरी कलर। तो गाइस, ये अमेजिंग सा कलर है। लाइक अगर आप इसका सिंगल स्ट्रोक लगाओगे तो ये थोड़ा सा आपको डार्क पिंक कलर में आएगा, और अगर आप इसका सेकंड कोट लगा लोगे अपने लिप्स पे तो एकदम बेरी कलर जो होता है, डार्कर कलर, उस शेड में आता है। तो ये बहुत ही परफेक्ट सा कलर है, एंड गाइस ट्रस्ट मी, सारे स्किन टोन पे ही जाता है। लाइक मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार ज़रूर से इसको अप्लाई कर लीजिए अपने लिप्स पे, आपको खुद को पता चल जाएगा कितना सुपर लगता है ये लगाने के। सो गाइस, नेक्स्ट शेड जो है वो एक मॉव फैमिली से है। दिस इज शेड नंबर 25 लिली अल्ड्रीन, एंड ये एक मॉव पिंक कलर है। तो अगर आप स्टूडेंट हो या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो जिनको थोड़ा थोड़ा लिपस्टिक लगाना डेली अच्छा लगता है, तो ये कलर आप लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट है। बहुत न्यूट पिंक कलर सा शेड है, बहुत डार्क पिंक नहीं है जो एकदम से चमक के आए, बहुत ही प्यारा सा मॉव पिंक कलर है। ऐसा कलर है जो डार्कर स्किन टोन पे भी अच्छा लगता है, थोड़ी सी डीपर स्किन टोन रहती है उन पे भी बहुत ही प्यारा सा लगता है। जस्ट बिकॉज थोड़े से डार्क स्किन टोन होती है उन पे मुझे ऐसा लगता है कि डार्क पिंक कलर नहीं अच्छे लगते हैं, वो थोड़ा सा चमक के उठ के आते हैं। बट ये मॉव पिंक कलर है, थोड़ा सा इसका न्यूड शेड है, तो ये अगर आपकी थोड़ी सी व्हाइटिश स्किन टोन भी है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। सो यस गाइस, अगर आप शुगर के मैट एस हेल लिप क्रेयॉन सर्च कर रहे हो एंड आपको रियली परचेज करना हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, एंड जो भी प्रोडक्ट्स के लिंक है गाइस मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर ही सकते हो। वीडियो अच्छा भी लगे तो भी प्लीज गाइस कमेंट कीजिए, हमको अच्छा लगता है अगर आपके कमेंट्स आते हैं, तो रियली लगता है कि आप हमारा जो कंटेंट है उसको रियली लाइक कर रहे हो। यस गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।